हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए आज के नाइट राइड के साथ कुछ बात करते करते हम जाएंगे और नाइट बाइक राइड करके बहुत मज़ा लेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा नाइट राइड करेंगे और टोल टैक्स और आयरन ब्रिज नाइट राइड करके कैसे लगता है, और नाइट में आयरन ब्रिज कैसे लगता है, नाइट में टोल टैक्स कैसे लगता है, तो आज दिखाऊंगा। तो चलिए और बांग्लादेश के बारे में कुछ बात करते हैं हम। तो अगला वीडियो हम दिया था वो बांग्लादेश वाला, तो हम लोग विदाउट पासपोर्ट छोड़ के हम बांग्लादेश नहीं जा सकता, लेकिन हम दोनों फ्रेंड कोशिश करता हूँ 350 cc बाइक लेके जाऊंगा, पासपोर्ट और वीसा लगा के हम जाऊंगा। तो ये है चांदेरमोट टोल टैक्स, नाइट टोल टैक्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइटिंग है। तो हम टोल टैक्स क्रॉस करने के लिए क्रॉस कर, तो हम दोनों फैन जा रहा है बांग्लादेश, बहुत जल्दी जा रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़, हम बहुत जितना जल्दी सपोर्ट करोगी इतना जल्दी हम बांग्लादेश जाएंगे। फिर भी जावा बाइक 350 बाइक लेके हम जाएंगे, जाएंगे 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 जरूर जाएंगे, ये बोल सकते हो नाइट में। भाई यहाँ से सुपर बाइक होती बहुत अच्छा होगा, यहाँ से दोनों साइड टाक जा रहा है, उसके पीछे हम घुस रहा है बॉ करके सुपर बाइक लेके। तो देख सकता है वो आयरन ब्रिज है, तो अभी नहीं क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देंगे, थोड़ा थोड़ा जाऊंगा। तो बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मास्ट, और बाइक का परमिशन लगेगी। तो ये रहा आयरन ब्रिज। तो यहाँ से नाइट के लिए आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उस साइड अच्छा लगेगी, तो आने के टाइम हम देखा देंगे। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है नाइट के, देख सकता है। हाँ, तो अभी काउ जाओ बांग्लादेश के आगे। और ये भाई देख रहा है नाइट राइड आयरन ब्रिज का, बहुत अच्छा लग रहा है नाइट बाइक राइड करके। ये जगह सत्य है, सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है क्या बोलूँ। और ये है मेरे बाइक। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा चैनल पे जुड़ के रहना। टाटा।